शिवाय दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे जून के महीने में लगने वाले सूर्य ग्रहण का आपकी राशि यानी कुंभ राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण आपके लिए प्रभावी रहने वाला है, शुभकर रहने वाला है या आपके जीवन में अशुभ प्रभाव देगा। तो देखिए, 21 जून 2020 को लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रभावी रहने वाला है। यह सूर्य ग्रहण बहुत ही बड़ा सूर्य ग्रहण है। इसका प्रभाव भारत समेत कई अन्य देशों में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से यह खगोलीय घटना है, लेकिन इस घटना के कारण वातावरण पर एवं धरती के समस्त जीव जंतुओं के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस ग्रहण का वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों दिशा में काफी ज्यादा महत्व है। इस ग्रहण के 12 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और यह जब ग्रहण प्रारंभ होगा तो मिथुन राशि में यह ग्रहण होगा। तो मिथुन राशि प्रकृति वाली राशि है, इसलिए प्रकृति में परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। जब यह ग्रहण प्रारंभ होगा तो दिन रविवार रहने वाला है और 6 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि, गुरु, बुध, राहु, केतु और शुक्र, यह 6 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, इसलिए इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो ज्यादा शुभकर नहीं रहने वाला है। इसका अधिकतर अशुभ प्रभाव ज्यादा वातावरण पर देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए देश के कोने कोने में भूकंप की समस्या, बाढ़, तूफान, अत्यधिक वर्षा होना, ये समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। चूंकि ये सूर्य ग्रहण सूर्य के द्वारा होने जा रहा है, 21 जून 2020 को आषाढ़ कृष्ण अमावस्या के दिन यह ग्रहण होगा और सूतक काल इसका 12 घंटे पूर्व यानी 20 तारीख के रात्र में 10:09 पर इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण शुरू होगा 21 तारीख को, 21 जून को 10:09 पर प्रारंभ होगा सुबह और दोपहर में इसका 1:36 पर इसका मोक्ष काल रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसका कुंभ राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, यह ग्रहण आपके फिफ्थ हाउस पांचवें भाव में प्रभावी रहने वाला है। फिफ्थ हाउस से भाग्य, संतान, जान, तरक्की, शिक्षा, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए यह ग्रहण आपके लिए काफी शुभकर रहने वाला है। पुराने समय से चली आ रही आर्थिक तंगी खत्म हो सकती है। चूंकि कुंभ राशि वाले जातक पुराने समय से परेशान है, आपके मन में तनाव बना हुआ है, अस्थिरता बनी हुई है, किसी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें कम से कम परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं या परिणाम मिल ही नहीं रहे हैं, तो इस ग्रहण का आपके ऊपर काफी शुभ प्रभाव रहने वाला है। यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। व्यापार में सफलता देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन इस ग्रहण के दौरान आपका क्रोध काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, इसलिए आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चों पर, अपने बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ आपको काफी रिश्ते को अहमियत देनी है और आपको काफी भाव से बातें करनी है, नाप तोल कर काफी बातें करनी है। अपने क्रोध पर आप जरूर नियंत्रण रखें। आपका उत्साह और मनोबल इस ग्रहण के पश्चात बढ़ जाएगा। इस ग्रहण का आने वाले 2 से 3 महीने तक काफी गहरा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो जब आपका उत्साह और मनोबल बढ़ेगा, इससे आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप काफी एक्टिव रहेंगे और आपको उसमें सफलता भी देखने के लिए मिलेगी। इस ग्रहण के प्रभाव के कारण, चूंकि फिफ्थ हाउस भाग्य का भी हाउस कहा जाता है, इसलिए आपको नया जॉब प्राप्त हो सकता है, नया वाहन एवं भवन का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यह ग्रहण आपके लिए शानदार रहेगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आप वाहन चलाते हैं या वाहन में सफर कर रहे हैं तो आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें और कोई भी जोखिम लेने से पहले आपको सोच समझ कर इन्वॉल्व होना है। जोखिम आप जब लेने जा रहे हैं तो तब तक आप उसमें इन्वॉल्व ना हो जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाएं, चिंता मुक्त आप जब तक ना हो जाएं तब तक आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, पूरी तरह से जांच परख कर आप किसी कार्य में इन्वॉल्व जरूर हो, क्योंकि धोखाधड़ी की भी संभावना बनती हुई दिखाई देगी। कुंभ राशि, यह ग्रहण आपके लिए काफी शुभकर रहने वाला है, तो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ग्रहण के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है, जरूरतमंदों को आप काली वस्तुएं दान कर सकते हैं। ग्रहण काल के पश्चात कोई शुभ कार्य आप करें। जब ग्रहण चल रहा हो तो आपको कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ जरूर कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकम् विभवन्दनाथ मृत्यु मोक्षिणमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है, इसका यदि आप पाठ करते हैं 108 बार, आप यदि आप इसको बोलते हैं तो आपके जीवन में अच्छी स्थितियां बनेंगी और आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा।